नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको बोनस शेयर देने जा रहा है और ये कंपनी आपके शेयर को डबल करने जा रहा है। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको मिलेंगे 1000 और एक्स्ट्रा शेयर, तो आपके पास हो जाएंगे कुल 2000 शेयर। लेकिन दोस्तों याद रखें, शेयर प्राइस उसी रेशियो में कम हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में बोनस शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स करता है। जैसे आप शेयर का प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा तो आपके पास 2 शेयर हो चुके हैं तो 2 रुपया आपका बढ़ेगा, तो आपका जो इन्वेस्ट होगा, जैसे शेयर का प्राइस बोनस के बाद 1 रुपया से बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट 2 रुपया से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये होता है, और सारा का सारा खेल जो डिमांड करता है वो डिमांड और सप्लाई पर। काफी ज्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है बोनस शेयर के बाद, तो इसीलिए बोनस शेयर के जब भी न्यूज आता है तो काफी शेयर में तेजी देखने मिलता है। और ये शेयर है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, और देख रहे हैं कि बोनस शेयर के न्यूज के कारण 5.80 रुपीज शेयर अप है, 1.82% से अप है शेयर, मतलब तेजी देखने मिला है शेयर में। और देख रहे हैं इस तरह ये आसमान की ऊंचाई की तरफ ये शेयर जा रहा है जब से बोनस शेयर का न्यूज आया है। साथ ही साथ बता दें ये शेयर डिविडेंड भी देता है, 0.22% का आपको डिविडेंड दे रहा है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न की बात करें तो काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। देखिए 2008 के गिरावट में अगर आप बाय किए रहते तो आपको मिलता कुल रिटर्न यहां पर देख लीजिए 6001%, और अगर यहां पर और ज्यादा गिरावट हुआ था शेयर में, अगर और आप नीचे के प्राइस पर बाय किए रहते तो देख लीजिए आपका रिटर्न काफी ज्यादा होता, और जितना आप नीचे बाय करते उतना ज्यादा रिटर्न आपका होता, 7.1% का रिटर्न अगर आप गिरावट में 2008 में बाय के रहते, 8 में जो मतलब हमारा क्राइसिस आया था उसमें अगर आप जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था उसमें बाय करते तो 7000% का रिटर्न, मतलब आपका जो शेयर है मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो होता, अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होते तो 71 लाख का प्रॉफिट होता, मतलब टोटल आपका रिटर्न होता, मतलब जो 1 लाख अमाउंट वो आता आपका 72 लाख बन करके। तो दोस्तों ऐसा रिटर्न प्राप्त होता है इस शेयर में, तो इतना बेहतरीन शेयर है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। तो चलिए इसके फंडामेंटल एनालिसिस को जानेंगे, साथ साथ बोनस भी आपको कब मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा, तो 1:1 के रेशियो में, सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बात करते हैं कि कंपनी का नेम पहले क्यों नहीं दिखाते, कंपनी का नेम यहां सबसे टॉप में आप देखते हैं KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, यहां पर आपको टॉप पे दिख जाएगा BSE 326 रुपीज प्राइस और NSE 326 रुपीज प्राइस, थोड़ा सा पैसा में पैसा का ऊपर नीचे डिफरेंस है इसमें। और अभी इसका वैल्यूएशन की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस है 4588 रुपीज, मतलब एक स्मॉल कैप स्टॉक है ये, और इसका डिविडेंड देख लीजिए 25% है, डिविडेंड यील्ड 0.15% है, जो गूगल में हमने देखा था वहां पर कुछ ज्यादा दिखा रहा था डिविडेंड यील्ड, यहां पर थोड़ा सा कम है। अब यहां पर हम चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन पर, कॉर्पोरेट एक्शन पर डिविडेंड देख लीजिए कंपनी 2020 में एक बार, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में हर साल डिविडेंड पे कर रही कंपनी। बोनस की बात करें तो कोई भी बोनस यहां पर नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन आप यहां पर न्यूज में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि KNR कंस्ट्रक्शन टचेस 52 वीक हाई ऑन बोनस शेयर अप्रूवल, बोनस शेयर के अप्रूवल के कारण जो अपने 52 वीक हाई को टच कर चुका है। तो इस पे आप न्यूज पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए कि कितना बोनस देने जा रहा है, किस रेशियो में अपनी बोनस देने जा रही है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 1:1 का बोनस होगा, मतलब आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 शेयर आपको कंपनी फ्री में देगी। अभी एक्स बोनस डेट डिफाइंड नहीं है, जल्द ही एक्स बोनस डेट भी आपको मिल जाएगा, मतलब रिकॉर्ड डेट क्या होगा, एक्स बोनस डेट के पहले आप बाय करते हैं तो आपका रिकॉर्ड डेट पे शेयर जो है रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपके पास है और आपको बोनस शेयर मिलेगा। तो एक्स बोनस डेट से पहले आपको बाय करना रहता है अगर आप बोनस शेयर का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बोनस शेयर का बेनिफिट मिलता है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को बोनस शेयर के लिए बाय नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे कंपनियों को चुने जिस कंपनी में आपको ग्रोथ दिखाई दे और फिर आपको बोनस शेयर आएगा तो आपको बेनिफिट होगा, यही उद्देश्य होता है हमारा। कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में बोनस शेयर के लिए आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो कंपनी के पास है 28 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस है 1515 करोड़ का, मैट्री इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही कितने करोड़ पर, 33 करोड़ पर। लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात करें तो कंपनी के पास है 701 करोड़ का, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग मतलब जो कंपनी के ऊपर डेट है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग एक डेट के रूप में कार्य करता है, और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है वो भी आगे चल करके डेट हो सकता है, लेकिन जो डेट अभी डिफाइंड डेट है
है वो है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग के रूप में 791 करोड़ का। तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आप डिफाइन करेंगे किससे, सेल्स से, कंपनी का सेल्स कितना है। तो अभी जस्ट चलेंगे कंपनी का सेल्स देखेंगे, कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट क्या है। कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 82 करोड़ का है। तो अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर, देख लेते हैं कंपनी प्रॉफिट कितना बनाती है। तो प्रॉफिट देख लीजिए 155 करोड़ इस मतलब सेप्टेम्बर क्वार्टर का कंपनी का प्रॉफिट, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखिएगा कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है। अगर हम एनुअल बेसिस पर बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 244 करोड़ है, जो कि 2016 में मात्र 100 करोड़ था। तो काफ़ी प्रॉफिट जंप किया है। सेल्स भी देख लीजिए 1100 करोड़ से बढ़ करके हो गया 2400 करोड़। तो सेल्स भी काफ़ी जंप हुआ है, प्रॉफिट भी काफ़ी जंप हुआ है। तो सारा चीज़ कंपनी का काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रो कर रहा है, सेल्स भी और प्रॉफिट भी। तो सेल्स भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, तो कंपनी लगातार ग्रोइंग फेज में है। उस बार प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक है 55% लगभग, जो कि कांस्टेंट है, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। उसके बाद एफआईज की बात करें तो इसमें स्टेक है 1.54, एफआईज का स्टेक धीरे धीरे घटा है कंपनी में। वहीं डीआईज के स्टेक जो है लगातार बढ़ा है और टोटल स्टेक है अभी 35.78 का। और अदर्स स्टेक की बात करें तो जो अदर्स पब्लिक शेयर होल्डर का जो इसमें 7.65, और ये भी स्टेक घटा है। तो बढ़ाया किसने, डीआईज ने अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है। तो दोस्तों ये था केएनआर कंस्ट्रक्शन जो आपको बोनस शेयर इश्यू करने जा रही है, बेहतरीन कंपनी है, अगर कभी गिरावट में मिलता है और अगर आपको इस कंपनी में ग्रोथ दिखती है तभी बाय करें। दोस्तों बता दें 5000 शेयर्स मतलब कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, जिसमें से आपको मात्र 500 शेयर कंसिडर करना है जिसमें इन्वेस्ट करना है, और 4500 शेयर समझिए आपको भूल जाना है कि उन कंपनियों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। फिर 500 जो आप देखते हैं अच्छी कंपनियां हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, उसमें से आपको फोकस करना है मात्र टॉप 10 कंपनी में, मात्र 10 कंपनियों में आपको फोकस करना है जिसमें आपको ग्रोथ दिखता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।